भाइयों बने, इस वक्त यूपी पंचायत चुनाव को लेकर बहुत ही बड़ी आज अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, यूपी पंचायत चुनाव 2021 सबसे बड़ी खबर। ध्यान दे, चुनाव में इतना ही खर्च कर सकेंगे प्रधान प्रत्याशी, वरना खतरे में पड़ जाएगी उम्मीदवारी। जी हां दोस्तों, साथ ही आज आरक्षण सूची को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कब होंगे पंचायत चुनाव। जी हाँ दोस्तों, यह जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको पंचायत चुनाव से जुड़ी एक एक जानकारी मिल पाएगी। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आगामी चुनाव को लेकर सभी जिलों में तैयारियां चल रही हैं। राज्य निर्वाचन आयोग भी चुनाव संपर्क कराने के लिए जुटा है। आयोग ने प्रत्याशी द्वारा चुनाव में खर्च की सीमा तय कर दी है। इस बार के चुनाव में जिला पंचायत सदस्य 1.5 लाख रुपये, ग्राम प्रधान 75,000 रुपये, ग्राम पंचायत सदस्य 10,000 रुपए में चुनाव लड़ सकेंगे। वहीं बीडीसी सदस्य को 75,000 रुपए चुनाव में खर्च करने की छूट होगी। जी हां, आपको बता दें, चुनाव लड़ने के खर्च में नहीं होगी कोई बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, ध्यान दें, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की खर्च सीमा में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। चुनाव में खर्च की सीमा साल 2015 के चुनाव के अनुसार ही होगी। इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि चुनाव के खर्च में बढ़ोतरी की जा सकती है। जी हां दोस्तों, अधिक खर्च कर पर खतरे में पड़ जाएगी उम्मीदवारी। जी हां दोस्तों, ध्यान दें, अगर प्रत्याशी मानकों की अनदेखी कर सीमा से ज्यादा चुनाव में खर्च करता है तो उनकी उम्मीदवारी खतरे में पड़ जाएगी। आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिया कि तय सीमा के भीतर ही उम्मीदवार को खर्च करना होगा। इसमें नामांकन से लेकर मनगणना तक के पूरे खर्च का ब्यौरा नामांकन के बाद प्रत्याशी को देना होगा। जी हां दोस्तों, यह जानकारी कैसी लगी हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने यार दोस्तों के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस बारे में पता चल सके। बस आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो में।